शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज है और उस दिन की जिसका वादा है और हाजिर होने वाले की और जो उसके पास हाजिर किया जाए उसकी, के खंदकों के खोदने वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो सख्तियां अहले ईमान पर कर रहे थे उनको सामने देख रहे थे। उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो खुदा पर ईमान लाए हुए थे जो गालिब और काबिल सताइश है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाहत है और खुदा हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोजक का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी होगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है, वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा, और वो बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक बड़ी शान वाला, जो चाहता है कर देता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का, लेकिन काफिर जानबूझकर तकजीब में गिरफ्तार हैं और खुदा भी उनको गिरदा गिर्द से घेरे हुए है। ये किताब हज़ल व बुतलान नहीं बल्कि ये कुरान अज़ीमुश्शान है, लौहे महफूज में लिखा हुआ।